नमस्कार, हम रोहित और वह के भोजपुरिया ब्लॉग में स्वागत करता नहीं। आज हम सके दू जगह रिपोर्टिंग करे जाए के वहाँ मिल्की, जहाँ पर एगो लड़का दौड़ प्रतियोगिता में नंबर वन आइल बाटे, और दूसर का हम सके जाए के बा जनता बाजार के पास। तो रास्ता में जितना चीज बा एक्सप्लोर करम सन, और रिपोर्टर के जन जिंदगी होला काफ़ी थोड़ा डिफिकल्टी होला, रिक्स वाला होला। हम सबके भर सक प्रयास करनी सन कि ब्लॉग वीडियो के माध्यम से हम सबके दिखाई सन कि जौन जौन हम सबके रिपोर्टिंग करनी सन कितना डिफिकल्टी के साथ करनी सन, और ओकरा बाद कैसे हम सबके जनता के प्रेम मिलेला, कैसे हम सबके जनता के विश्वास बनल रहेला। अभी हम सबके पहले मिल्की चलेम सन, और मिल्की के बाद सीधे जनता बाजार जाएम सन। हमार मित्र बड़े विशाल, विशाल के लेके हम जाएम, और वो एगो पत्रकार हमन भीन लाइव के, वो हमारे साथ ही काम करे ले। और ओकर बाद जौन जौन रास्ता में खूबसूरत खूबसूरत नज़ारा मिली रोवा के एक्सप्लोर करके देखें और बताए के प्रयास करें, तब तक रोवा हम हमारा ब्लॉग में बना रही। देखिए, जब भी बाइक चलाई तो पहले हेमलेट के यूज कर ली, खासकर हेमलेट के यूज कर ऐसे जरूरी बा कि सेफ्टी पहले जरूरी हटे। सेफ्टी से रहें, सेफ्टी से बाइक राइडिंग करें तो कहीं भी रोवा दिक्कत ना हो। खासकर हाल फिलहाल में देखल गया दो तीन दिन पहले कि एगो लड़का के बिना हेमलेट के बाइक चलावत रहन, महाराजगंज के बतावल जाते रहन, जो धनौती में उनकर एक्सीडेंट हो गई लटे, और दुखद रहल। वो हम सबके अपन चैनल के माध्यम से देखले रहनी सन, और हम सबके चलेम सन दू जगह रिपोर्टिंग करे जाए के बा, और एक्सपीरियंस देखाएम सन कि भाई एक रिपोर्टर के जन जीवन बाटे कितना रिक्स वाला होला, और कितना मेहनत वाला होला। लोग के बुझाला कि भाई लोग डॉलर छापता, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। बने ब्लॉग वीडियो के साथ हड़सर के रास्ता है जो मिल्की माधवपुर जाला, और कहा जाला कि दुनिया के सबसे अधिक ठोकर जन हसनपुरा के तरफ जाए तो दुनिया के सबसे अधिक ठोकर एक जीत भेटाई। तो देख सकते नहीं कि लगभग 80 गो ठोकर रो अगर मिल्की दुरादा से मिल्की माधवपुर तक जाए तो रो ठोकर भेटेंगे, जैसे कि एगो ठोकर अदे भेटा गई। तो लगभग हम कहें नहीं कि दुनिया के सबसे अधिक ठोकर बात दुरादा से है, हड़सर के बीच के रास्ता में बाटे। रोड काफ़ी ज़्यादा खराब बाटे। अभी चलेम सब मुझे रिपोर्टिंग करें सन, और अभी हम सब हरदियरा पर आ चुकल रही सन। हरदियरा के बाद पूर्वी हड़सर आई, पश्चिमी हड़सर आई, ओकर बाद तब मिल्की। ये हड़सरी देवी के माता के मंदिर बतावल जाला, जहाँ पर मान्यता प्राप्त होते। अब एक बाद हम सबके पश्चिमी हड़सर में घुसम सर। पश्चिमी हड़सर में आयम तो रोवा के पहले ही स्वागत हुई पानी के साथ। मतलब हमारा बुझाला ना कि कितना रोड बनेला तो पता ना ये जी पानी कहने का है। कि पश्चिमी हड़सर गांव में एंट्री कर चुकल बानी सन। पश्चिमी हड़सर के जे जे भाई लोग हुई कमेंट बॉक्स में लिख दी, और देखिए एंट्री कैला के बाद मैंने ठोकर के मतलब कहीं मत अभी तक 40 गो ठोकर क्रॉस कर चुकल बानी, और सीधे आयम तो रोवा रोवा के हम दिखाए के प्रयास करते हैं कि हनुमान जी के मंदिर भेटाई, और मंदिर के बाद एकदम रास्ता जाला कि रास्ता सीधे धानाडी के तरफ जाला, और ये छोटा मोटा बाजार हटे चट्टी कह सकते नहीं हड़सर के बाजार, पश्चिमी हड़सर के बाजार, और पश्चिम हड़सर का है स्कूल हटे। और कह जला कि जी काफ़ी है राजनीति के अड्डा हटे। लोग देखिए अभी भी अथी खेल रहा बा, और ये जी बहुत अच्छा पकौड़ी मिलेला है जी। जब भी पश्चिमी हड़सर में आई तो पवन है तो मौजूद बड़े जरूर खाई। और अब चलिए मिल्की माधवपुर में एंट्री करें। मिल्की माधवपुर के पीक पॉइंट हटे, अभी नया नया मंदिर के निर्माण भइल हटे, और देखिए हई सीधे चल जाला माधवपुर, हई चल जाला कोल्हुआ, कोल्हुआ चल जाला, और मिल्की माधवपुर में एंट्री हो चुकल बा। तो अगर मिल्की माधवपुर आवत हैं तो ये गो अगर ये मंदिर दिखाई देता है हनुमान जी के तो ये मिल्की माधवपुर हटे। देखिए देश कितनो आगे बढ़ जाओ लेकिन गांव के तरक्की एंग रहेला। पता ना जनप्रतिनिधि लोग का करेला कि गांव के तरक्की ऐसे ही रुक जाला, नाला या पानी के लिए निकासी के कोनो भी साधन ना रहेला। देखिए मिल्की माधवपुर में आए रहने रिपोर्टिंग करे खातिर, और ये पिंटू कुमार हवन, काफ़ी गरीब परिवार से आवेल हैं, और सिवान में नेशनल एथलीट्स के द्वारा प्रतियोगिता करावल गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। एमे एक नंबर आयल बड़े और एक नंबर स्थान हासिल कैले बड़े, और पूर्णिया में ई
नेशनल खेले जा रहल बड़े। देखी आज ही गरीब होते हुए भी अपन मेहनत के बलबूते कितना आगे बढ़ रहा बड़े। देखी इनका जूता जौन बाटे, जूता दिखाए के प्रयास करते नहीं, ठीक से पहने के जूता भी नहीं खे, लेकिन इनकर जौन जोश बा, जुनून बाटे, काफ़ी तगड़ा बाटे कि अपन गरीबी के मजबूरी नहीं खन समझत और ये आगे बढ़े के भरसक प्रयास करता रहे। माता रानी से कृपा रही कि ये जीवन में आगे बढ़स और आगे जाके अपन गांव जवार के नाम रोशन करस। और देखिए बहुत सारा युवा लोग भी मौजूद बाटे, बहुत सारा लोग भी है जी हम सके इंटरव्यू होत रहल तो आइल सटे और इंटरव्यू भी देखला सा बहुत कुछ सीखे के मिलेला, कैसे कि हम सके रिपोर्टर रही सन और हम सके अपन एक्सपीरियंस साझा करें सन कि भाई जहाँ भी हम सके जानी सन तो लोग के विश्वास कैसे हम सके ऊपर बना रहेला। बहरहाल इनकर जो इंटरव्यू बाटे वो मैच बॉक्स पर देख सकत।